हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार्टेक। तो कैसे हो आप सब? तो आज की ये वीडियो ना ही कोई रिव्यू वीडियो होने वाली है, ना ही कोई इंस्टॉलेशन वीडियो। ये एक टाइप की अवेयरनेस वीडियो है जो कि डिलाइट एलईडीज की तरफ से है, जिसमें मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत लोग बहुत ही गलत तरीके से लगाते हैं, और वो चीज़ है अपने कार के हेडलैम्प मेगा एलईडी बल्ब। तो अपनी पहली टिप आती है, ये जो बॉक्स टाइप होता है अपने बल्ब के साथ, उसे भी अंदर डालना होता है। मतलब जहां हम लोग बल्ब को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ उस बॉक्स को भी अंदर डालना होता है, तभी जाके आपके हेडलैम्प में मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। अगर बहुत लोग क्या करते हैं, उसे बाहर रखते हैं, फिर उनके हेडलैम्प में मॉइस्चर पकड़ता है, फिर वो लोग कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता बल्ब का। तो इसलिए वो बॉक्स टाइप होता है, उसे भी अंदर डालना होता है। साथ ही में जो लीड होती है, जो ढक्कन होता है हेडलैम्प के, मतलब इंस्टॉल करने के बाद, उसे भी टाइट लगाना होता है। अगर वो भी ज़रा सा भी लूज़ रहा तो आपके हेडलैम्प में मॉइस्चर पकड़ने के चांसेस है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने उसे कैसे अंदर डाला। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की ओर। तो ये बहुत ही मेन और बड़ी गलती है जिसे बहुत लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें अपने हेडलैम्प का, मतलब अपने बल्ब का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। तो गलती क्या है, आओ मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, इस बार जो बल्ब था, जो एलईडी बल्ब था, वो हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल था, हॉरिजॉन्टली एडजस्ट किया हुआ था। तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल बल्ब है, इसलिए जो बॉक्स टाइप आ रहा है ऊपर, वो इसीलिए आ रहा है। तो उनका लाइट जो है ऊपर चला जाता है। तो अभी देखिए, ये प्री फोकस्ड हो गया है, जिसे मैंने घुमा के वर्टिकली एडजस्ट कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये अवेयरनेस वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये अपर और ये डिपर, कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है लाइट का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे वर्टिकली करेक्टली एडजस्ट कैसे करना है। तो ये जो आपका एलईडी बल्ब है, उसमें जो बीच में लाइन दिख रही है, वो जो कि हॉरिजॉन्टली है, उसे आपको बस घुमा के एडजस्ट करके वर्टिकली करना है। तो बस इतना ही करना है, तभी जाके जो आपका लाइट है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा रोड पे। वैसे तो ये बहुत ही छोटी गलती है, लेकिन अगर आपने इस गलती को सुधार दिया तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखने मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे जो कि मैं कहना चाहता हूँ, जो कि अवेयरनेस आपको देना चाहता हूँ होंगे। और थैंक्स टू डिलाइट एलईडीज जिनकी तरफ से ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।